एम ए फाइनल उर्दू के 7th पेपर में आज शेख सादी शिराजी की गुलिस्तां की चंद हिकायत का तर्जुमा करने जा रहे हैं। शेख सादी की शोराए आफाक तसनीफ गुलिस्तां बहुत बड़ी अदबी हैसियत रखती है। गुलिस्तां और बोस्ता उनकी मशहूर तसानीफ हैं। शेख सादी ने गुलिस्तां में चंद हिकायात बड़े दिलकश और पुरअसर अंदाज में पेश की है, जिनमें वो बड़ी नसीहत आमोज बातों को कारी तक पहुंचाते हैं। इसमें कुरान हदीस और दीगर मामलात पर अपने तखय्युल और फिक्र से इस्तिफादा करते हुए लोगों तक अपने मुशाहदात और तजुर्बात को शेयर करते हैं। चूँकि शेख सादी बेहतरीन शायर भी हैं, इसलिए अक्सर हिकायत में अपने पैगाम की तौसीक के लिए शेरों का वसीला भी कायम करते हैं, ताकि हिकायत में तासीर पैदा हो जाए और ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मुशाहदात से कारी इबरत और नसीहत हासिल करें। निसाब में शामिल गुलिस्तां की पहली हिकायत इस तरह से है। यकी अज मलूक खुरासान सुल्तान महमूद सपगदगीन रा दर ख्वाब दीद। खुरासान के बादशाहों में से एक ने सुल्तान सपगदगीन को ख्वाब में देखा। बाद अज वफात वो बसत साल के वजूद और यख्ता या खाक शुदा के उसके विसाल के 100 साल बाद अगरचे उसका तमाम जिस्म गल चुका था और मिट्टी बन चुका था, मगर चश्मानश के हम चुना द चश्म खाना हमी कर दी वह नज़र हमी कर दी। लेकिन उसकी आंखें अपने दोनों गढ़ों में हरकत कर रही थी और देख रही थी कि तमाम दानिशमंद उस ख्वाब की ताबीर से पेश करने से कासिर रहे। हुकुमा अस ताबीर आ फरू मानंद मगर दुर्वेश के शर्ते खिदमत बजा अवर व गुफ्त हनूस निगरानस्त के मुलकश बा दिगरानस्त। मगर एक दुर्वेश उसकी खिदमत में लाया गया, उसने कहा कि वो अभी तक यही देख रहा है कि उसका मुल्क दूसरों के कब्ज़े में है। अब यहाँ इन्होंने अपनी बात की तौसीक के लिए एक कता पेश किया है। पस नामवर बज़ेरे ज़मीन दफन करदान कज़ हस्तीज पर हुए ज़मीन यक निशान नमान। इसका तर्जुमा है, तशरीह मतलब है कि बहुत नामवर और मशहूर लोग ज़मीन के नीचे दफन कर दिए गए कि उनकी हस्ती का ज़मीन पर कोई निशान बाकी नहीं रहा। वह आ पीरे लाशा रा के सुपुर्दन ज़ेर खाक खाकस चुना बखूरत कस उस्तुखान अमन। और उस उम्र रसीदा लाश जिसको मिट्टी में दफन कर गए थे, मिट्टी ने इस तरह खा लिया कि कोई हड्डी भी बाकी ना रही। जिंदा अस्त नाम फर्रुख नौशीरवा बदल गर्चे बसी गुज़श्त के नौशीरवान न मान। नौशीरवान आदिल का मुबारक नाम अपने इंसाफ की वजह से जिंदा है, अगरचे मुद्दत गुजर गई कि नौशीरवान जिंदा नहीं रहा। लिहाजा ए शख्स भलाई कर और ज़िंदगी को गनीमत जा। खैर कुन ए फुलां व गनीमत शुमार उम्र जहाँ पेशतर के बान बर आयत फुला नमानत। लिहाजा ए शख्स भलाई कर और ज़िंदगी को गनीमत समझ के कबल इसके कि तेरी मौत का ऐलान हो कि फलाना नहीं रहा।